हाय गाइस, आज मैं वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने ब्राउन राइस से बनाया है और इसलिए ये काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है, जिससे आप एक्स्ट्रा वज़न और फैट कम कर पाएंगे इसके टेस्ट को एंजॉय करते हुए। रिसेंटली मैंने चैनल में हॉट पेली टाइप प्लान शेयर किया था, जिसमें खिचड़ी खाने को कहा था। ये खिचड़ी आप उस प्लान में ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। और सबसे पहले अपना प्रेशर कुकर, राइस कुकर या इलेक्ट्रिक पॉट सेट कर लें। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक पॉट यूज़ कर रही हूँ। मैंने कुछ सब्जियाँ, दाल और ब्राउन राइस यूज़ किया है इस रेसिपी के लिए, ताकि आपको प्रोटीन, फाइबर और विटामिंस मिले। आधा कप पीली मूंग दाल और आधा कप ब्राउन राइस लें। इन्हें अच्छे से धो लें और पानी में 15 मिनट भीगे रहने दें। मैं मूंग दाल काफ़ी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन है और ये आसानी से मिल जाती है। ब्राउन राइस में काफ़ी फाइबर और प्रोटीन है और ये सफ़ेद चावल से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर दोनों के डिफरेंस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक है ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस का, उसे ज़रूर क्लिक करें। 15 मिनट बाद में दाल और चावल को पानी से निकाल लें। अब कुकर या पॉट लें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, फिर थोड़ा सा ज़ीरा, एक छोटी दालचीनी, कुछ काली मिर्च और एक तेज पत्ता डालें। जब जीरा फूटने लगे तो थोड़ा सा लहसुन डालें। जब वो हल्का ब्राउन होने लगे तो सब्जियां डाल लें। इसमें मैंने अलग अलग सब्जियां डाली हैं, जैसे आधा कप चॉप्ड गाजर, आधा कप बैंगन के पीसेस और आधा कप चॉप्ड बंद गोभी। कोई और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स, मटर वगैरह। गाजर, बैंगन और बंद गोभी पूरे साल मिल जाते हैं और इनमें फाइबर काफ़ी और कैलोरीज कम हैं। इन्हें 4 से 5 मिनट सौटे करें और फिर मसाले डालें, जैसे आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैं न्यूट्रिविश ब्रांड का हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अब आधा मिनट सौटे करें और फिर चावल और पीली दाल डाल दें। अच्छे से मिला लें। फिर 4 कप पानी डालें, मिलाएं और फिर लिड लगाकर 3 से 4 सीटी आने दें। स्टीम निकल जाने दें और फिर लिड खोल लें। थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च और धनिया के पत्ते डालें और हमारी वेट लॉस खिचड़ी तैयार है। एंड में हल्का सा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं टेस्ट और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। ये रेसिपी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वज़न कम करने वाले खानों की, और आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स भी मिलेंगे। इससे आपका पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहेगा और आप एक्स्ट्रा चर्बी और वज़न दोनों कम कर पाएंगे। ये रेसिपी सबके लिए सेफ़ है, जैसे PCOS, PCOD, थायरॉयड, डायबिटिक्स, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स वगैरह। थायरॉयड पेशेंट्स बंद गोभी की जगह फ्रेंच बीन्स या मटर डालें। ये अच्छी वेट लॉस रेसिपी है नर्सिंग मदर्स के लिए, जो प्रेगनेंसी के बाद वज़न और पेट कम करना चाहती हैं। आप 15 दिनों में 5 किलो तक कम कर पाएंगे अगर दोपहर और रात दोनों टाइम इसे लेंगे तो, यानी लंच और डिनर दोनों समय। सब्जियाँ और मसाले चेंज करते रहें ताकि बोरियत ना हो। आशा है ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, अच्छे खाने का मिक्स खाएंगे तो अच्छे ही रिजल्ट्स पाएंगे। बाय बाय।